चलिए नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जय श्री महाकाल जय श्री राधे राधे स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूँ आप सभी का और आप सभी ने ज्वाइन की है एम क्लास करंट अफेयर्स यूनिट एट और उसके अंतर्गत हम अभी तक जो है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स सीरीज के बारे में हमने पुरस्कार क्रिकेट फुटबॉल एशियन गेम्स ओलंपिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स नेशनल गेम्स इन सब गेम्स के बाद जो है हमने इनके जो एम वगैरह थे उसके थ्रू इन जो है इन सारी चीज़ों को कवर करने की प्रयास किया था और जो नई नई चीज़ें जो है हमने इसमें देखी थी हाल ही में एशियन गेम्स सम्पन्न हुए हैं उसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे तो हमने इन सारी चीज़ों को जो है कवर करने कवर किया था तो आज हम उसी सीरीज में जो है अब हमने लेक्स जो है सेक्शन में चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज अपने नोबेल पुरस्कार वाले सेक्शन को और जो उसके अलावा बात जो है अगली क्लास में पद्म पुरस्कार और अन्य जितनी भी करंट अफेयर्स की जो बाकी जो चीजें हैं मिसलेनियस के अंतर्गत जो आती है उन चीजों को भी कवर करेंगे तो बने रहिए जल्दी से क्लास में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों तो नोबेल पुरस्कारों के बारे में नोबेल पुरस्कार इस दुनिया के या विश्व के हम कहें तो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पुरस्कार होते हैं नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार छह कैटेगरीज में दिए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर पीस इकोनॉमिक्स ये छह कैटेगरीज जो होती है बेटा वो हम उसके अंतर्गत हम नोबेल पुरस्कार पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं और अगर नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी स्वागत है बेटा आप सभी का जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए चलिए तो 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी यानी कि बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में ही इसकी शुरुआत हुई थी और 1901 में पहली बार जो है ये पुरस्कार दिया गया था आ, मैंने आपको बताया कि छह कैटेगरीज में दिया जाता है ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पांच जो कैटेगरीज होती है पांच कैटेगरीज में स्वीडन में पुरस्कार मिलता है और एक जो कैटेगरी होती है जो पीस की कैटेगरी होती है शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है दोस्तों वो पुरस्कार मिलता है नॉर्वे ओस्लो के अंतर्गत तो और तो पीस का पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो के द्वारा ही जो है शुरुआत की गई थी और पीस के क्षेत्र में लगातार नॉर्वे के द्वारा जो देश के द्वारा है काम किए जाते हैं अब नोबेल पुरस्कार की बात करें तो एक बड़े वैज्ञानिक थे महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल नोबेल उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार की शुरुआत हुई तो और उन्होंने जो है सो पंचाण में आ, उनकी जब आ, बाद में डेथ हो गई तो उनकी विल जब पड़ी गई तो उनकी विल में लिखा हुआ था कि इस प्रकार के पांच पुरस्कार जो है मेरी विल के अनुसार जो है अलग अलग कैटेगरी में फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें दिए जाएं ठीक है ना

नोबल प्राइज जो है उसकी शुरुआत 1901 में हुई थी 1901 में हुई थी 1998 में 1998 में 1998 में जो है भारत के अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन ने ये नोबल पुरस्कार जीता था ये नोबल पुरस्कार जीता था भारत के अमर्त्य सेन ने नोबल पुरस्कार जीता था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और बाद में भारत की सरकार ने जब 1998 में उन्होंने जीता तो बाद में भारत सरकार ने 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है और भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है तो आप अमर्त्य सेन का नाम बता सकते हैं उनका नाम है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने ठीक है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बड़ा उनका काम रहा है ठीक है चलिए अर्थशास्त्र में चलो आंसर इज डी 1998 Who among the following was the first female from India to receive the Nobel Peace Prize? Nobel Peace Prize, नोबेल पीस Prize. ठीक है तो मैंने आपको छह कैटेगरी बताई दोस्तों छह कैटेगरी कौन कौन सी है छह कैटेगरी अगर हम बात करें तो एक कैटेगरी है फिजिक्स की फिजिक्स में दिया जाता है फिजिक्स केमेस्ट्री केमेस्ट्री इसके अलावा मेडिसिन बायोलॉजी मेडिसिन मेडिसिन कहे या फिजियोलॉजी कहें फिजियोलॉजी कहें इसके अलावा इकोनॉमिक्स में दिया जाता है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लिटरेचर लिटरेचर एंड पीस और पीस शांति के क्षेत्र में किसमें शांति के क्षेत्र में शांति के क्षेत्र में दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है गुड इवनिंग सोनू गुड इवनिंग तो अगर फिजिक्स की बात करें दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी किसके द्वारा दिया जाता है यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी रॉयल स्वीडिश अकेडमी रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये भी आपका रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है यह भी लगभग वो का वही है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है अगर मेडिसिन की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है एक इंस्टीट्यूट है कैरो लिंसका इंस्टीट्यूट ये भी स्वीडन में है ये भी स्वीडन में है कैरो इंस्टीट्यूट इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में दिया जाता है रिक्स रिक्स बैंक रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन ये भी स्वीडन की तरफ से दिया जाता है ठीक है लिटरेचर की बात करें लिटरेचर की बात करें अगर हम तो स्वीडिश अकेडमी जो है स्वीडिश अकेडमी जो है, तो है तो लिटरेचर में देती है लिटरेचर में देती है और पीस का जो अवार्ड है दोस्तों पीस का जो अवार्ड है वो नॉर्वेन अकेडमी देती है नॉर्वेयन अकेडमी ठीक है नॉर्वे तो ये सारे तो जितने भी हैं ये ऊपर से आप जो देख रहे हैं ये पांच जो हैं, ये आपको कहा मिलते हैं ये स्वीडन की में मिलते हैं स्वीडन लेकिन ये जो एक पुरस्कार है शांति का पुरस्कार ये नॉर्वे नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है जो की राजधानी है है। है पर दिया जाता हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया नोबेल पीस प्राइस की बात करें तो मदर टेरिसा को नाइनटीन में नाइनटीन में शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में ठीक है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको मदर टेरेसा को 1979 में और ये छह पुरस्कार दिए जाते हैं कौन कौन देता है मैंने उनके लिख दिए हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी फिजिक्स का केमिस्ट्री का देती है मेडिसिन और फिजियोलॉजी में बात करें तो कैरलका इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स की बात करें तो रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन लिटरेचर की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी और पहला जो हमको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर गुरुजी जो जो गुरुदेव को जो मिला था वो काय में मिला था दोस्तों लिटरेचर में मिला था गीतांजलि के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो फर्स्ट एशियन थे जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो भारत को भारत से थे तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था बात करें अगले प्रश्न की अल्फ्रेड नोबल ने क्या बनाया है अल्फ्रेड नोबल हैज इन्वेंटेड अल्फ्रेड नोबल ने किसकी जो है खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी तो मैंने आपको बताया 1895 में उन्होंने अपनी विल लिखी थी कि इस तरह प्रकार के मुझे जो है आ, नोबल पुरस्कार की घोषणा होनी चाहिए और तो उन्होंने जो बनाया था वो था दोस्तों डायनामाइट वो क्या था डायनामाइट डायनामाइट की खोज अगर किसी ने की थी तो वो थे अल्फ्रेड नोबल अल्फ्रेड नोबल तो उन्होंने तो जो अपनी विल थी दोस्तों उन्होंने उसमें सिर्फ पांच कैटेगरीज के, के बारे में लिखा था पांच कैटेगरीज़ के बारे में लिखा था उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर और पीस के बारे में लिखा था इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था लेकिन बाद में 191969 में इकोनॉमिक्स में भी ये दिया जाना शुरू हो गया तो इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार था उसकी शुरुआत हुई थी 1969 1969 में चलिए डी इसका आंसर था चलिए मदर टेरेसा वॉन नोबेल प्राइस इन ईयर ये मैंने बता चुका हूं आपको जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए 1979 में मदर टेरेसा टेरेसा को को मदर जो है नो, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में मैंने आपको बताया दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला <coughs> 1930 में सीवी रमन को मिला था सीवी रमन को सीवी रमन 1968 में मिला था हर गोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने के लिए हर गोविंद खुराना अमरत्य सेन को मिला था 1998 में अमृत सेन अमृत सेन को ठीक है मदर टेरेसा को मिला ही है 1979 में मदर टेरेसा को मिला था मदर टेरेसा मदर टेरेसा को मिला था इसके अलावा अभी आपने हाल ही में देखा होगा 2019 में 2014 की अगर बात करें 2014 में मिला था किसको कैलाश सत्यार्थी को कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी हैं उनको 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था 2019 में नोबेल में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को अभिजीत अभी, अभी हाल ही में अभिजीत जो बैनर्जी हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया था अभिजीत बनर्जी अभिजीत बनर्जी ठीक है ठीक है चलिए आंसर इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरेचर अवार्ड्स गोज टू किस लैंग्वेज को किस भाषा में अभी तक सबसे ज्यादा किस भाषा को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का पुरस्कार किसी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है भाषा में किसी उन्नत कार्य के लिए तो पोर्तगाली भाषा फ्रेंच अंग्रेजी या जर्मन कौन सी भाषा हो सकती है आपके हिसाब से कौन सी भाषा हो सकती है दोस्तों कौन सी भाषा हो सकती है जिसमें साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नीस सौ तेरह में मैंने बताया गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ये पुरस्कार मिला था तो इंग्लिश वो भाषा है दोस्तों जिसको अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरेचर अवार्ड जो है नोबल के मिले हैं नोबल पुरस्कार मिले हैं और लिटरेचर के अवार्ड जो देता है वो कौन है लिटरेचर का जो अवार्ड है वो कौन देता है स्वीडिश अकेडमी स्वीडिश अकेडमी ठीक है ना स्वीडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर देती है किसका लिटरेचर का अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड देती है और साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड जो है किस भाषा को सबसे ज्यादा बार मिला है तो अंग्रेजी भाषा को सबसे ज्यादा बार यह अवार्ड जो है दिया गया है अवार्ड दिया गया है इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश को दिया गया है चलिए द नोबेल प्राइस फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर ईयर पूछा है और मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड नोबेल की विल के अनुसार पांच क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा की शुरुआत हुई थी लेकिन बाद में 19 विच ईयर कौन सा साल है कौन सा साल है 1968, 1969, 1966 या 1978 कौन सा वर्ष है जब नोबेल प्राइस इकोनॉमिक्स में दिया जाना शुरू किया गया और किसके द्वारा दिया गया किसके द्वारा दिया गया दोस्तों तो 1969 में रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन ने इसकी शुरुआत की थी कब की थी भैया 1969 में ठीक है 1969 में आंसर इज बी ऑप्शन दिया ही नहीं बी आंसर इज बी बी आंसर इस बी और अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो दो लोगों को मिला है किन किन को मिला है भैया अमर्त्य सेन अमर्तिय सेन को कब मिला? 1998 में मिला भारत की तरफ से ठीक है ना भारत के जो रहे 1998 में और अभी आपने हाल ही में किसको मिला है अभिजीत बनर्जी को अभिजीत बनर्जी 2019 में ठीक है 2019 में अभिजीत बनर्जी इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबल प्राइज कौन से साल में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नोबेल प्राइज जीता था अमर तिसन 1998 अभिजीत बैनर्जी 2019 और अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी दिया गया अमर्त्य सेन को क्या दिया गया दोस्तों भारत रत्न भी दिया गया और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें दोस्तों तो 19 19 13 1913 में किसके लिए गीतांजलि 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 के लिए 1913 में 1913 में ठीक है पहले एशियाई पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने, पाने वाले पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई ठीक है पहले एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि पहले एशियाई कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था और क्यों पहले एशियाई का पूछेगा क्योंकि वो जो एशियाई मूल का व्यक्ति है वो हमारे भारत का ही व्यक्ति था रविंद्रनाथ ठाकुर गुरुदेव ठीक है चलिए 1913 आंसर इज सी नॉर्मन बोरलोग नॉर्मन बोरलोग वाज गिवन द नोबेल In which field? नहीं जानते हैं नॉर्मन बोर्लॉग वो व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी हरित क्रांति की शुरुआत की थी और एक तरह से एम <coughs> एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी उसका रास्ता भी नॉर्मन बोर्लॉग ने ही दुनिया को बताया था तो एम एस स्वामीनाथन ने भारत में इस काम को शुरू किया था और नॉर्मन बोरलॉग ने अमेरिका और विश्व के जो अन्य गरीब देशों हैं उनके लिए इस तरह के प्लान को तैयार किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के तो नॉर्मन बोरलॉग को किस कैटेगरी में जो है दोस्तों नोबेल प्राइज मिला होगा अब मैंने आपको बताया कि पाँच कैटेगरी छः कैटेगरी है नोबेल प्राइज की जिसमें से एक इकोनॉमिक्स है एक शांति की कैटेगरी है पीस की एग्रीकल्चर तो कैटेगरी है ही नहीं नोबेल पुरस्कार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो दिया नहीं जाता है लेकिन ये काम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में था तो कौन सा क्षेत्र हो सकता है जिसके अंतर्गत इस कार्य को लिया गया हो ये काम तो भैया एग्रीकल्चर में किया गया लेकिन कौन सी कैटेगरी में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं देखो एग्रीकल्चर में तो पूजा नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है तो एग्रीकल्चर की कैटेगरी तो होती नहीं है लेकिन इसके अलावा कौन सी कैटेगरी हो सकती है जिसके देखो बहुत सारे लोग ना फिजिक्स में, 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 में काम कर रहे हैं केमिस्ट्री में ना मेडिसिन में ना इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग पॉलिटी में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग राजनीति में काम करते हैं बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में काम करते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग विधाओं में काम करते हैं दुनिया में सिर्फ ये पांच या छह विधायें थोड़ी ना है क्या

पीस शांति की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं ऐसे काम जिनसे मानव जीवन सुधरता है ऐसे काम जिनसे मानव जीवन जो है अच्छे से चलता है देश में में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो तो भारत खाद्यान्न की जो कमी हो हो रही थी वो पूरी हो गई तो भैया शांति स्थापित हुई तो शांति स्थापित हुई तो पीस की कैटेगरी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन बोरलॉक को नॉर्मन बोरलोक को इकोनॉमिक्स नहीं दोस्तों शांति के क्षेत्र में पीस की कैटेगरी में पीस की कैटेगरी में जो है नॉर्मन बोरलॉक को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था चलिए आगे बढ़े चलो आंसर इज बी बी आंसर है भैया चलिए बायोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हु द नोबेल इंडियन ओरिजिन के वो कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था राजा रमन्ना हरगोविंद खुराना जगदीश चंद्र बोस या सी वी रमन या सी वी रमन बताइए जरा इसका आंसर बताइए हम्म कौन है दोस्तों से बी अच्छा बी या डी में से ए बी सी डी तो सही मैंने बताया था दोस्तों 1968 में और पूछा क्या है दोस्तों इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं अभिजीत बैनर्जी ठीक है ये इंडियन ओरिजिन के हैं वी एस नायपॉल जिनको लिटरेचर में मिला था ठीक है कैलाश सत्यार्थी इंडियन सिटीजन है रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय थे कुछ लोग भारत में जैसे बाहर जाकर बस गए और वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली लेकिन उनके माता-पिता का जो ओरिजिन है वो इंडियन है ठीक है तो ऐसे ही थे हरगोविंद खुराना जिनको 1968 में मेडिसिन बायोलॉजी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1968 में सही आंसर है हरगोविंद खुराना हरगोविंद खुराना <coughs> जेनेटिक कोड के क्षेत्र में जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको यह नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था दोस्तों ठीक है बी का सही उत्तर है बी का क्या है बेटा सही उत्तर है हर गोविंद खुराना चलिए बी का बिल्कुल सही उत्तर है चलो हु फॉलोइंग वॉज

और इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास के बाद क्या हुआ कि जो बड़े-बड़े कंप्यूटर बड़े बन रहे थे उनका आकार धीरे से छोटा हो गया लैपटॉप पाम टैब पर्सनल कंप्यूटर आपका मोबाइल ये सारे फोन जो आज जिनको हम चलाते हैं जिनको हम यूज करते हैं किस कारण पॉसिबल हो पाया इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण तो उस डेवलपमेंट के लिए जिस बड़े आदमी को जिस वैज्ञानिक को जिस रिसर्चर्स जिस अनुसंधानकर्ता को ये नोबेल पुरस्कार मिला उसका क्या नाम था उसका क्या नाम था तो 1960 में आई थी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आप सबको मालूम है कि सबसे पहले तो कंप्यूटर थे ही थे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे हम पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता था वैक्यूम ट्यूब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आ गया था दोस्तों ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे एंड देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आ गया था इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट और उत्तर क्या है इसका बी है जैक किल्बी, क्या है कौन है भैया जैक किलबी बी जैक किल्बी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था कब थर्ड जनरेशन में थर्ड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर में आ गया था इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास के कारण ही आज आप देखते होंगे कि एक ही छोटे से मदरबोर्ड पर एक ही छोटे से मदरबोर्ड पर आपके सारे जो है इक्विपमेंट्स फिट हो जाते हैं और वो मदरबोर्ड जो है आपके लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में फिट हो जाता है और पहले क्या होता था पहले कमरे के बड़े आकार के बनते थे वैक्यूम ट्यूब होते थे, हिट अप भी जल्दी होते थे थे भी भी जल्दी तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी ना काम की कैपेसिटी होती थी ना परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता था ना इफिशियंसी उतनी अच्छी होती थी लेकिन ट्रांजिस्टर एंड देन डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण ये सब मुमकिन हो पाया ये सब क्या हो पाया मुमकिन हो पाया दोस्तों ठीक है तो नोबेल पुरस्कार मिला किसको जैक किल्बी को किसके क्षेत्र में इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट में ठीक है चलो हु फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबल प्राइज ये तो मैं बता चुका हूं जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए कि वो फर्स्ट एशियाई जिसने नोबेल पुरस्कार जीता किम डे जंग सुंग डे ली रविंद्रनाथ टैगोर गाओ शिंगजियान गाओ शिंगजियान अगर हम नोबेल पुरस्कारों की बात करें दोस्तों तो रविंद्रनाथ टैगोर हो सी.वी. रमन हो कैलाश सत्यार्थी हो मदर टेरेसा हो अमर सेन हो ये पांच जो हैं ये लोग जो हैं भारतीय मूल के मतलब भारतीय नागरिक रहे हैं इसके अलावा जो आप देखें से हरगोविंद खुराना हो अभिजीत बैनर्जी हो वी एस नाइपॉल हो ठीक है सुब्रमण्यम वेंकट रमन हो ये लोग जो हैं भारतीय ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन के रहे हैं तो आपसे इंडियन ओरिजिन के वालों का भी पूछा जा सकता है और जो भारत के हैं उनका भी पूछा जा सकता है और सबको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है रविनाथ टैगोर को लिटरेचर में दिया गया है सी वी रमन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है हरगोविंद खुराना ने बायोलॉजी के क्षेत्र में जीता अमर्त्य सेन अभिजीत बनर्जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जीता कैलाश सत्यार्थी ने शांति के क्षेत्र में जीता ठीक है कैलाश सत्यार्थी एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे भारतीय जिन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता ठीक है चलिए और इसका उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर है बिल्कुल सही रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका उत्तर है सी इसका सही उत्तर है गीतांजलि के लिए बिल्कुल सही चलिए अमर्त्य सेन वॉज द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और हमने बहुत डिस्कस कर लिया है इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है ठीक है इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है 1998 में उनको मिला था ये पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज वर्क इन गीतांजलि किसके लिए मिला दोस्तों गीतांजलि के लिए मिला गीतांजलि ठीक है Rabindranath Tagore got the Nobel Prize for Literature for his work in Gitanjali, in 19 in year 1913. Which Indian born scientist was awarded the Nobel Prize in Astrophysics? एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट के बारे में पूछा है मैंने आपको बताया था इंडियन ओरिजिन एक तो हमने हरगोविंद खुराना को देखा ये दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है और मैंने इसमें आपको <coughs> बताओ जरा जल्दी से कौन है विच इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट तो मैंने सीवी रमन के बारे में बताया था दोस्तों आपको सीवी रमन को 1930 में मिला था 1930 1930 में मिला था किसके लिए रमन इफेक्ट के लिए रमन इफेक्ट के लिए ये मिला था और सीवी रमन कौन थे सीवी रमन इंडियन ओरिजिन के नहीं थे इंडियन बोर्न वो तो थे ही भारतीय नागरिक थे यहां पूछ रहा है इंडियन बोर्न विक्रम साराभाई को नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार सत्यनाथ बोस को नहीं मिला है किसको मिला था प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रोफेसर चंद्रशेखर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर इंडियन बोर्न साइंटिस्ट थे जिनको एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था सीवी रमन को दिया गया था दोस्तों थर्टी में दिया गया था और नाइनटीन एटी थ्री में दिया नाइनटीन एटी थ्री में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट का कार्य किया था किसके अंतर्गत इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बात की थी कि स्टार्स किस प्रकार से बनते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स यानी तारे इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स 1938 में दिया गया था प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को 1923 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए ठीक है प्रोफ, प्रोफेसर सीवी रमन को सर सीवी रमन को तो सही उत्तर है इंडियन बॉन तो ये जरूर पढ़ना आप यहां पे दो ऐसे हैं जिनका भारत से ताल्लुक है लेकिन एक इंडियन बॉन है और एक तो इंडियन सिटीजन रहे तो किसको मिला था चंद्रशेखर को नहीं तो पता चला हमने प्रश्न पढ़ा और सीधे सीवी रमन को करके आगे तो गलत हो जाएगा ठीक है आंसर इज बी फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन अवारेड ऑ ऑफ बोथ नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न बताइए जरा नोबेल प्राइज और भारत रत्न किसे नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिला है बताइए जरा जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया हो और भारत रत्न भी दिया गया हो कौन है मदर टेरेसा रविंद्रनाथ टैगोर सी वी रमन या ऑल ऑफ दी अबाउ तो भारत रत्न देने की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी चलो तो इसमें से दोस्तों क्या है एक्चुअल में दो लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है और एक्चुअल में तीन लोग हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है भारत रत्न दिया गया था मदर टेरेसा को तो 1979 में मदर टेरेसा को तो इसका जो उत्तर यहां पर है बी गलत दे रखा है बी गलत दे रखा है इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए और डी ए एंड डी इसका सही उत्तर होगा ए एंड डी इसका सही उत्तर होगा अब मैं आपको बताऊं तो सब मदर टेरिस सी.वी. रमन जो थे सी.वी. रमन सी.वी. रमन को 1930 में तो मिला था नोबेल नोबेल पुरस्कार और उन्नीस में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो उन्हें भारत रत्न दिया गया था ऐसे ही मदर टेरेसा को मदर टेरेसा को 1979 में मिला था नोबेल और 1980 में दिया गया था भारत रत्न और अमर्त्य सेन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं अमर्त्य सेन के बारे में 98 में नोबेल 99 में भारत रत्न तो तीन लोग हैं इसका उत्तर क्या देखा था ऑल ऑफ द अबाउ रविंद्रनाथ टैगोर को कभी भारत रत्न नहीं मिला है मदर टेरेसा को मिला है सीवी रमन को मिला है यानी कि भैया सीवी रमन मदर टेरेसा सेन ठीक है उन्नीस सौ चौपन में ही पहली बार भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी और सीवी रमन को दिया गया था और भी लोगों को दिया गया था उनके साथ सीवी रमन को ठीक है डॉक्टर सर सर वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर इस वर्क ऑन काय में काम किया था भैया उन्होंने रेडियो गतिविधियों में सोनोमीटर प्रकाश प्रकीर्णन या क्रायोजेनिक्स या क्रायोजेनिक्स रेडियो एक्टिविटी सोनोमीटर लाइट स्कैटरिंग, क्रायोजेनिक्स रेडियो गतिविधि सोनोमीटर प्रकाश प्रकीर्णन या क्रायोजेनिक्स इन विच कैटेगरी सी वी सर सी वी रमन वॉज अवार्डेड For his work in Nobel Prize, Nobel Prize for his work on. <laughs> बताइए हाँ तो रमन प्रभाव क्या वो तो हिंदी में यहां पे क्या है रमन प्रभाव लाइट स्केटरिंग प्रकाश प्रकीर्णन लाइट स्कैटरिंग इसको क्या बोलते हैं रमन इफेक्ट भी बोला गया है रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट और कब दिया गया था 1930 में ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों ही दिया गया नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों ही दिया गया ठीक है आंसर इज सी आंसर इज सी ऑन विच डेट द नोबेल प्राइज इज अवारेड कौन सी तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है बेटा कौन से साल की एक तारीख फिक्स रखी गई है नोबेल पुरस्कार देने के लिए और वो कौन सी तारीख है वो कौन सी तारीख है नोबेल पुरस्कार को देने की एक तारीख जो है डेट जो है वो फिक्स करी गई है वो कौन सी डेट है एक जनवरी एक जनवरी पक्का सही तारीख है दोस्तों दस दिसंबर इसी दिन दस दिसंबर इसी दिन जो है अल्फ्रेड नोबल का जो है जो है देहांत हुआ था तो उस डेट को रखा गया है दस दिसंबर दस दिसंबर ठीक है, बी एक थोड़ा रुकिए एक सेकेंड रुकेगा दोस्तों क्वेश्चन की जो है एक और जो है स्लाइड वो हम ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अन्य क्वेश्चन भी है तो उनको भी करेंगे हम हाँ डेली होगी बेटा क्लास डेली होगी चलिए बताओ जरा नरगेश मोहम्मदी नरगेश मोहम्मदी ने 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता किसके लिए शांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जीता बिल्कुल शांति का ही नोबेल पुरस्कार जीता तो शांति का नोबेल पुरस्कार जीता भैया तो कौन से क्या पूछा क्या प्रश्न क्या पूछा है किस देश से संबंधित है मतलब नरगेश मोहम्मदी ने जिन्होंने दो में नोबेल शांति पुरस्कार जीता वो कौन से देश को बिलोंग करती हैं? कौन से देश की नागरिक हैं? पाकिस्तान की हैं, ईरान की हैं, उपरोक्त तो में से एक से अधिक अच्छा। मोर तो की है ईरान की है, और अभी रिसेंट में ही है मतलब किसका पूछ रहा है भैया 2023, 2023 का 2023 का पूछ रहा है ठीक है तो ईरान की है वो वो कहाँ की है दोस्तों ईरान की है ईरान की है वो नरगेज मोहम्मदी ने ईरान में आपने सुना होगा कि ना कट्टरपंथी इस्लामिक कट्टरपंथी देश है तो वहां पर महिलाओं को बिल्कुल जो है उसमें रखा जाता है पूरे उनके आपने देखा होगा बुरका वगैरह जो इस्लामिक के अनु इस्लाम के अनुसार जो है तो उसका एक तरह से महिलाओं के अधिकारों के लिए और उन चीजों के लिए लड़ने वाली जो महिला हैं वो हैं नरगेज मोहम्मदी नरगेज मोहम्मदी उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया दो में ठीक है हाँ बिल्कुल जेल में थी है। जेल में थी बिल्कुल जेल में थी ये और 2023 के लिए ही इनको कहा की हैं कौन से देश की हैं ईरान कहाँ की हैं दोस्तों ईरान की हैं तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य अभी जो आपने देखा होगा दो साल पहले की घटना है ईरान में एक महिला की जो है इस विरोध प्रदर्शन में एक मौत भी हो गई थी तो ईरान में लगातार ये काम चल रहे ऐसे मूवमेंट जो है चल रहे हैं हु वॉज अवॉर्डेड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर इज इनोवेटिव प्लेज एंड बोल नहीं सकते अक थनी, अक थनी बोल नहीं सकते हिंदी अनुवाद थोड़ा सा कठिन है कड़क कर दिया गया है अकथनीय यानी कि जो बोल नहीं सकते जो आवाज नहीं उनको आवाज देने का काम किया है किसने किया है जॉन फोसे ने किया है जॉन फोसे और यह भी मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि भैया दो हजार तेईस के लिए है दो हजार तेईस के लिए है किसमें लिटरेचर में किसमें किस दोस्तों लिटरेचर में चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ अगले प्रश्न पर आ जाओ भैया के हु हैज बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2023 2023 के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला गया भैया तो पेरी फेरेंस एनी तो ये तीनों ही जो है दोस्तों तीनों जो हैं तीनों हैं तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया

को दिया गया तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया अन्य किसी को दिया गया भैया तो भैया वो तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है से ज़्यादा लोग होते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी ठीक है यह उसका नियम है Award मैंने आपको बताया कितने श्रेणियों में नोबेल